हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होगे, अच्छे होगे, मज़े में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपके लाइफ में शो होना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस स्टडी में हम देखेंगे आपके पार्टनर की आपके लिए और अगर आपके इस रिलेशनशिप में कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है उनके लिए, दोनों के लिए इस वक्त के आपके पार्टनर के थॉट्स और विचार क्या है, ठीक है। आखिर आपके पार्टनर आपके लिए क्या कुछ सोच रहे हैं और जो भी रोमांटिक थर्ड पार्टी है उनके लिए क्या कुछ सोच रहे हैं, ठीक है। आपको ओपन माइंड रखकर रीडिंग को देखना है। टाइमलेस और कलेक्टिव एनर्जीज होती है, ठीक है। तो हर एक बात आपके साथ रेजोनेट नहीं कर सकती, जो रेजोनेट होता है उसे रखें और जो नहीं होता उसे इग्नोर कर दीजिए, ठीक है। देखिए क्या कुछ निकल के आता है आपके पार्टनर की आपके लिए और जो भी रोमांटिक थर्ड पार्टी है उनके लिए अभी की फीलिंग्स। यूनिवर्स हमें ट्रू मैसेजेस दें यहाँ पे आपके कार्ड से और यहाँ पे जो थर्ड पार्टी है उनके कार्ड से, ठीक है। आपके पार्टनर के थॉट्स आपके लिए, ओके। और आपके पार्टनर के थॉट्स थर्ड पार्टी के लिए जो कि रोमांटिक थर्ड पार्टी है, और यहाँ पे बॉटम में है माइंड, ठीक है। और यहाँ पे बॉटम में है गिल्ट, आइसोलेशन, वो भी हम ले लेंगे, ठीक है। और ऊपर रख देते हैं जरा सा, ठीक है। यहाँ पे फिर से अंडरस्टैंडिंग है बॉटम में, तो समझने की कोशिश आपके पार्टनर जो इस वक्त कर रहे हैं दोनों का बॉटम है, ठीक है, ओके। यहाँ पे नंबर है 8 5 7 9 2 3 4, ठीक है। 1 भी है यहाँ पे आपके आपके पार्टनर के बजट में हो सकता है। स्ट्रांगली साइंस यहाँ पे एरिस, लियो, सैजिटेरियस और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। अगर आपके पार्टनर के थर्ड पार्टी के लिए हम विचार को देखते हैं, आपके पार्टनर उनके साथ इस वक्त बहुत ज़्यादा मैनेज करने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। उनकी लाइफ में इस वक्त बहुत ज़्यादा स्ट्रगल चल रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, ठीक है। जो कि जो भी थर्ड पार्टी है ना, वो आपके साथ आपके पार्टनर के साथ हैप्पीली रहने की कोशिश कर रही है, प्लेफुलनेस की एनर्जीज में आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस वहाँ पे महसूस करते हैं, ठीक है। उनके साथ बिल्कुल भी हैप्पी उनको फील नहीं हो रहा है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। उनको लगता है कि जो भी सारे सेलिब्रेशन है वो बहुत ही ज़्यादा उनको इस तरह से है कि उनको प्लेफुलनेस अच्छा लगता है, उनको पार्टीज अच्छी लगती है, उनको सेलिब्रेशन अच्छे लगते हैं जो भी थर्ड पार्टी है, लेकिन आपके पार्टनर को इन सारी बातों से नफरत सी है, उनको नहीं, उनको वो सारी चीज़ें जो है ना वो बहुत ज़्यादा उनका स्ट्रेस बढ़ा देती है। और इस वक्त थर्ड पार्टी की उम्मीदें आपके पार्टनर से कुछ ऐसे है कि वो चाहते हैं कि आपके पार्टनर उनसे हैप्पीली रहने की कोशिश करें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें, जो कि आपके पार्टनर उनको नहीं दे रहे, ठीक है। ना तो उनसे ठीक से बात कर पाते हैं, कुछ भी नहीं, ठीक है। इसलिए जो थर्ड पार्टी है वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज है, उनको समझ में नहीं आ रहा है, बहुत ज़्यादा डरती है उनको आपके पार्टनर जो है, मतलब जो भी थर्ड पार्टी है आपके पार्टनर को खोने से बहुत ज़्यादा डरती है, ठीक है। और आपके पार्टनर को एक अलग सा डर सताता रहता है, उनको यही समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या। वो आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, मिसिंग एनर्जीज बहुत ज़्यादा रहती है, आपको बहुत ज़्यादा मिस करने की वजह से उनको लगता है कि वो थर्ड पार्टी के साथ कुछ भी जस्टिस नहीं कर पा रहे हैं और वो कर भी नहीं सकेंगे, क्योंकि वो आपको खोने से बहुत ज़्यादा डरते हैं, आप ही के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं, और इतना सोचने की वजह से और कंटिन्यू 24 आवर्स आप ही उनके माइंड में चलने की वजह से इनका इस तरह से हो रहा है कि थर्ड पार्टी के ऊपर कुछ भी फोकस नहीं जा रहा है, वो आपके पास आना चाहते हैं, ठीक है। हो सकता है कि जो भी थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर है उनके साथ, मतलब ये भले ही उनके रोमांटिक पार्टनर है, लेकिन बहुत ज़्यादा दिमाग पकाऊ जैसे होता है ना, बहुत ज़्यादा झगड़ा करने और बहुत ज़्यादा छोटी छोटी बातों के ऊपर कुछ भी बोलते रहना, वो सारी बातें जो रहती है ना थर्ड पार्टी की, वो आपके पार्टनर का माइंड बहुत ज़्यादा ख़राब करती है और कंटिन्यू मतलब उनको सोचने पे मजबूर करती है कि क्या ही, मतलब कैसी पर्सनैलिटी है, कितना तकलीफ देती है, कितना टॉर्चर करती है, बिल्कुल भी हैप्पी या फ्रेंडली रहने रहती नहीं है। जो आपके पार्टनर के लिए हैप्पीनेस है वो थर्ड पार्टी के लिए हैप्पीनेस नहीं है, मतलब आपके पार्टनर का हैप्पीनेस इस तरह से होता है कि उनको एक जगह पर बैठ के अच्छे से रिलैक्स रहना,
रहना और शांत रहना, किट-किट नहीं करना, झगड़े नहीं करना और दिमाग नहीं खाना, रिलैक्स उनको बैठने दीजिए किसी जगह पे 2-3 घंटा और उनको बस प्यार से कुछ अच्छी बातें करें, यही उनके लिए सेटिस्फैक्शन है, ठीक है। उनको फ्रेंडली एनवायरनमेंट अच्छा लगता है, जो कि ये जो भी थर्ड पार्टी है ना, उनको पार्टी, सेलिब्रेशन, घूमना फिरना, एंजॉय करना, ये सब कुछ अच्छा लगता है। आपके पार्टनर को पहले ये सब कुछ अच्छा लगता था, लेकिन जब से आप उनकी लाइफ से अलग जा चुके हो तब से उनको ये सब कुछ फील नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए बहुत ज़्यादा नर्वस और अकेलापन महसूस होता है, स्ट्रेस लेवल इनका बहुत ज़्यादा बड़ा रहता है जब वो थर्ड पार्टी के साथ रहती है, ठीक है। एक पिंजरे में अटका हुआ महसूस करते हैं, वहाँ से निकलने की कोशिश वो बहुत ज़्यादा करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। डेफिनेटली स्ट्रेंथ अगर इनमें आ जाती है तो ये वहाँ से निकल जाएंगे, जो पिंजरा उन्होंने बनाया है ना, जो उन्होंने खुद ही बनाया है, वहाँ से वो डेफिनेटली निकल जाएंगे। और यहाँ पे अगर आपके बारे में आपके पार्टनर की बात करें, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा गिल्टी महसूस कर रहे हैं, ठीक है। जो भी उन्होंने आपको तकलीफ दी है, इस रिलेशनशिप में पेनफुल सिचुएशन लाई है, जो आपको रुलाया है, जो कुछ भी किया है, आपके प्यार का फ़ायदा उठाया है, ठीक है। आपने जो कि उनसे ट्रू लव किया था, सच्चा प्यार किया था, और उन्होंने कभी भी नहीं सोचा था कि वो उनकी एक हरकत, जो कि थर्ड पार्टी वो रोमांटिक लेके आई इस रिलेशनशिप में, वो एक हरकत आपको इतना तोड़ के रख देगी कि आप इतना रूढ़ हो जाओगे उनके प्रति, इतना मतलब जो इतना प्यार करता था मुझसे, आज मुझसे सडनली इतना नफरत करने लगा है, और आपके दिल में जो उनके लिए नफरत है ना, उस नफरत को वो नहीं झेल पा रहे, वो बहुत ज़्यादा गिल्टी महसूस कर रहे हैं कि मैंने एक ऐसा इंसान खोया है जो मुझसे इतना प्यार करता था, और आज मैं चाहकर भी उसके दिल में वो पहले जैसा प्यार जो है वो पैदा नहीं कर सकता। वो कितना भी कोशिश करूँ जाने की, लेकिन जितना प्यार आप उनसे पहले करते थे शायद वो आप इस वक्त नहीं कर सकोगे। और ये बात सोच के उनको बहुत ज़्यादा पछतावा होता है, उनको जान देने का दिल करता है, पागलों जैसा उनका हाल हो रहा है, रो रहे हैं, बहुत ज़्यादा रोते हैं आपको याद करके, ठीक है। इनका इस तरह से है कि आपको बहुत ज़्यादा याद करते, फील करते, आपके साथ प्यार अपना शेयर करना चाहते, लेकिन जो कि शेयर करना नहीं कर सकते, क्योंकि जो थर्ड पार्टी रोमांटिक उनसे अटैच है, उनसे किस तरह से छुटकारा मिलेगा, जो कि पिंजरा है, ठीक है। यहाँ से निकलेंगे तभी ना आपके पास आएंगे, तो पहले यहाँ से निकलने की ज़रूरत है, स्ट्रेंथ बनाने की ज़रूरत है, तब जाके वो आपके पास आएंगे। और ये जो भी कंजूसी कर रहे हैं, अपना प्यार आपके साथ इस वक्त शेयर नहीं कर रहे हैं, ये शेयर करने के लिए जो स्ट्रेंथ चाहिए, जब ये आएगा आपके पास तो डेफिनेटली ये शेयर करेंगे अपना प्यार, ठीक है। आपके साथ अपना प्यार शेयर करना चाहते हैं, जो कि कंजूस बने बैठे हैं, छुपाए रखे, बहुत ज़्यादा याद आती है, बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, बहुत ज़्यादा रोते हैं, गिल्टी, रिग्रेट, सब कुछ इनको महसूस होता है, लेकिन वो आपको बताते नहीं है। इस वक्त चुपचाप बैठ के आपके ऊपर नज़र रखे हैं और प्यार शेयर करना है, लेकिन वेट एंड वॉच कर रही है, यहाँ पे स्लोइंग डाउन है, आपको डेफिनेटली एक्शन लेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, इल्यूजन की दुनिया में आपको इमेजिन करते रहते हैं हर वक्त, 24/7 आपको इल्यूजन में ये इस तरह से सोचते रहते हैं, क्या कर रही होगी, इस तरह से क्या करती है, इस वक्त क्या चल रहा है, अभी क्या कर रही होगी, कहाँ गई होगी, इस तरह से बस आपको सोचते रहते हैं, आपका पास्ट याद करते रहते हैं, कैसी बातें करती थी, कैसे हंसती थी, हम कैसे एक साथ रहते थे, कैसे घूमते थे, कैसे हम टाइम स्पेंड करते थे, वो सारी बातें वो याद करते हैं, ऐसे ही बैठे बैठे, जब उनको कुछ भी काम नहीं होता, उनको एक ही काम होता है कि आपको याद करना, ठीक है। इल्यूजन की दुनिया में बहुत ज़्यादा जीते हैं, एक्शन इनका आपको डेफिनेटली आएगा, यहाँ पे स्लोइंग डाउन का कार्ड है, टॉर्टॉइज की स्पीड से वो आ रहे हैं आपके पास, ठीक है। और इसलिए स्पीड टॉर्टॉइज का है क्योंकि उनके अंदर इस वक्त थर्ड पार्टी को छोड़ने की स्ट्रेंथ नहीं है, ठीक है। तो यस, यहाँ पे ओवरऑल मैं यही बता सकती हूँ कि आपके पार्टनर आपके पास आने के लिए जब स्ट्रेंथ जमा लेंगे तो डेफिनेटली आपके पास आ जाएंगे। उनको रिग्रेट बहुत ज़्यादा है, प्यार आपसे बहुत करते हैं, लेकिन इस वक्त आपको शो नहीं कर रहे, ठीक है। तो यस, ये थी आपकी रीडिंग, आपके पार्टनर के थॉट्स आपके लिए और थर्ड पार्टी के लिए, ठीक है। अगर आपको लगा कि आपकी रीडिंग है, आपके पार्टनर इस तरह से सोच रहे होंगे, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिसकी भी साथ रीडिंग रेजोनेट है मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, ताकि मुझे पता चले किसकी एनर्जीज निकल के आई है, ठीक है। और अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग करवानी है, बहुत दिनों से, महीनों से, सालों से, हफ्तों से इंतजार हो रहा है आपके पार्टनर का और नहीं आ रहे, तो इतने साल महीने बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं होती है, आप पर्सनल रीडिंग करवा लो, आपको समझ में आ जाएगा आखिर इस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्या है और क्या सच में ये रिश्ता कभी स्टार्ट होगा भी, ये आपको पर्सनल रीडिंग में समझ में आ जाता है, ठीक है। मुझसे पर्सनल रीडिंग करवानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप मुझसे डेफिनेटली कांटेक्ट कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।